किलोग्राम हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज कुछ मुख्य समाचार। सभा नेता आजम खान को आर्मी ने विधिवत तरीके से टैंक सौंपा, देखें ये रिपोर्ट। सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को विधिवत तरीके से आज आर्मी ने टैंक सौंप दिया है। उत्तर भारत के कमांडिंग ऑफिसर एच ठकुराल ने सपा नेता आजम खान को टैंक के दस्तावेज सहित चाबी भी सौंपी है। इस मौके पर जौहर यूनिवर्सिटी में भव्य कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें आजम खान ने आर्मी के अफसरों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। साथ ही आजम खान ने मंच से जौहर यूनिवर्सिटी में आर्मी के भर्ती के लिए आर्मी के उत्तर भारत एरिया जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरीश ठकुराल को रिक्वेस्ट किया। आर्मी के बहुत मशहूर हैं, बहुत धन्यवाद, हमें टैंक देने का धन्यवाद, जौहर विश्वविद्यालय को ये सम्मान देने का धन्यवाद, लेफ्टिनेंट जनरल जनाब ठकुराल साहब का तशरीफ लाने का, उनके एड्रेस का, और जो कुछ उन्होंने कहा है, जो जज्बात उन्होंने अपने जाहिर किए हैं, उस सब के लिए बहुत धन्यवाद। सॉलम एंड प्राउड ओकेजन फॉर द आर्मी, इंडियन आर्मी टू हैंड ओवर वॉर वेटरन, अ ट्रू वॉर हीरो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट विच प्लेड इट्स पार्ट इन द मेनी मेनी बैटल्स विच इंडिया वन एंड टू पार्ट इन। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन with all academic institutions should continue so that we can continue to motivate the generations which come to these institutions, academic institutions, to get motivated and develop true empathy and understanding of the contributions, sacrifices of the armed forces towards nation building. यूपी के रामपुर में डीएम कार्यालय पर महिला का चीरहरण हुआ, और चीरहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी और आपकी रक्षा करने वाली मित्र पुलिस थी। दरअसल डीएम कार्यालय पर एक विकलांग महिला डीएम से आवास मांगने और पति को नौकरी दिलाने की मांग करने पहुंची थी। अचानक महिला ने डीएम पर हमला करने की कोशिश की, तब वहां पर मौजूद महिला होमगार्ड ने महिला को रोका। इसका विरोध करते हुए पीड़ित महिला ने महिला होमगार्ड की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां महिला को आतंक देखते हुए महिला पुलिस ने तीन दरोगाओं ने हाथ खड़े कर दिए। तकरीबन दो घंटे तक महिला ने डीएम कार्यालय पर जोरदार हंगामा चलता रहा। बाद में महिला कोतवाल भारी पुलिस के साथ वहां पहुंची और उसे अपनी कार में भर कर कहीं ले गई। और आज तक कुछ भी नखरा है डीएम साहब। क्या आज क्या बोले डीएम साहब, क्या बोले? आज भी पहले अस्पताल दिखाओगे, लेडीज पुलिस से नहीं, लेडीज पुलिस भाग गए। तो तुम्हें किसी ये बताओ, आज क्या हुआ ये बताओ? आज तो कुछ भी ना हुआ, तीन दफा गई, तीन दफा धक्का मारा, लात मार के मुझे बाहर। किसने मंगाया? डीएम साहब की औरत ने, पुलिस कांस्टेबल ने। फिर आपने बताया नहीं डीएम साहब को? डीएम साहब ने उन्हें बात ही नकल दी, मेरा झोला बाहर फेंक दिया। तो जहर लेकर आई? क्यों लेकर आई हो? मैं जेल इसलिए लेके आई हूँ, मैंने कहा मैं दुनिया को दिखाऊंगी इनकी वर्दी उतरेगी या जेल में जान गए। लेकिन तुम तो मर जाओगी ना जहर खाने। मैं मर जाऊंगी तो पता तो चल जाएगा, एक औरत तो ऐसे औरत तड़फा रहे का करके। तो हम आपसे मना करते हैं, जहर फेंक दीजिए, हमें दे दीजिए जहर। पहले मुझे पैसे दो, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए दो, तब मैं दूंगी। जेल में बंद एक नाइजीरियन मूल के कैदी माइकल के इशारे पर दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली मनप्रीत कौर जलंधर में पकड़ी गई, जो कोरियर से विदेशी युवती को खेप की सप्लाई भेजा करती थी। इस कार्रवाई के बाद एसटीएफ ने नाभा नई जिला जेल के आसपास अपनी जांच का शिकंजा कसना शुरू ही किया था कि कार्रवाई के बाद हरकत में आए जेल अधिकारियों ने जेल में बंद तीनों कैदियों के सामान की तलाशी दी, तो वहां सामान में छुपा मोबाइल फोन बरामद हुआ। तीनों आरोपी कैदियों में एक पंजाब, एक नाइजीरिया तो तीसरा नैरोबी का रहने वाला था। एमएससी थाना सदर नाभा ने मुखातब थाना सदर नाभा वालों एक पत्र मार्क करवा के मेरे सपुरद किया, जिसका विषय तलाशी के दौरान मोबाइल फोन बरामद होने संबंधी कानूनी कार्रवाई करने बारे।
ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੇੜੇ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਆਂ ਜੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਭਾ ਬੁਟੇਜ ਪੁੱਤਰ ਅਨੀਗਰ ਵਾਸੀ ਨੰਬਰ 4। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤਾ ਹੋਈ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਜਿਸ जिला फिरोजपुर में एक विवाहिता लड़की को जहर देकर मार देने का मामला सामने आया है, जहां फिरोजपुर शहर के भटिया वाली बस्ती की रहने वाली मृतक लड़की साक्षी, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल बताई जा रही है, उसके परिजनों ने साक्षी के ससुराल वालों पर उनकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए अक्सर उससे परेशान करने का आरोप लगाते हुए जहरीली वस्तु खिलाकर जान से मार देने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2 साल पहले उन्होंने अपनी लड़की साक्षी का विवाह सिविल अस्पताल के क्वार्टरों में रहने वाले विकास कुमार से किया था, जो उनकी लड़की साक्षी को दान दहेज के लिए परेशान करते थे। पशुओं के खेतों में घुसने के मामले में 2 गांवों के बीच में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 1 की हुई मौत, 2 हुए घायल, देखिए ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं से किसान कितना परेशान है, इसकी बानगी आज जनपद जलौन में देखने को मिली। जलौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में लमसर गांव में अन्ना मवेशियों के खेत में घुसने पर ग्रामीणों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। कई ग्रामीण गोली लगने से घायल भी हो गए। सर में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर शाम लमसर गांव में हुई। मवेशियों को खदेड़ने पर वह खेत में घुस गए और जिस पर ग्रामीणों के आपस में विवाद हो गया। ये लगभग गांव का नाम था लमसर, उनमें से एक बच्चा था 10 बजे शाम को रात्रि में यानी, और दूसरा 10:05 पे, दोनों 100 नंबर डायल गाड़ी से आए हुए थे। जो विशेष इंजर्ड थे सस्पेक्टेड गन शॉट इंजरी से संबंधित थे, उनका नाम अनुपम यादव था, लगभग उम्र 22 वर्ष थी और सस्पेक्टेड गन था। बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद उनको इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ाई के लिए रिफर किया गया था। सर कल का क्या मामला था और उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई? कल 23/24 की रात ग्राम लमसर और जमुना के बीच कृषकों के बीच कुछ जानवरों अन्ना पशु जानवरों को लेकर कहा सुनी हुई और कुछ लेकर फायरिंग हुई, जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए, एक व्यक्ति की चारे दौरान मृत्यु भी हो गई है। इसमें अभी तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर मुकदमे को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जितने भी नाम दिए गए हैं उनको दर्ज दी जा रही है और पूछा। सर कितने नामजद? नामजद 8 व्यक्ति किए गए हैं। प्रतापगढ़ पुलिस से नहीं समझ रहा है बिला प्रतापगढ़, देखें ये रिपोर्ट। मामला प्रतापगढ़ के कोहडोर थाने का है, जहां की पुलिस दबंगाई पर उतारू हो गई है। चोरों के आतंक से बौखलाई पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। निर्दोष लोगों को थाने में लाकर उन्हें मारती है, जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाती है। तो उसी संबंध में इनको क्या करते हैं, पूछताछ के लिए लाया गया। तो क्या चोरी हुई तो वो लोग आपके पास इनका नामजद FIR पड़ा हुआ है, कैसे क्या है, किस बेस पे आपने इनको उठाया है? नामजद नहीं था, वो लोग थे नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा जिन पर शक है जिन जिन लोगों पे तो उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस जवान है कहें कि बोला तुम्हें समाज चुराए हो, तुहार जवान है तुहार से मिला है और तुहार मिली मारू है, तुम्हारे छते पर गए हैं और तुहार जवान है का बात है तू बता बतना। तुमको पुलिस ने मारा है? हाँ, लेडीज मारी है, नहीं फूल आ जाए आज 4 दिन भर यही और जिन से आ जाए ना लगी कहें चला हूँ अस्पताल में, वहाँ भल गया थान हे वह थान हम गए। यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बेखौफ अपराधी आए दिन वारदाताओं को अंजाम देने में लगे हैं, देखें ये रिपोर्ट। यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बेखौफ अपराधी आए दिन वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। आज थाना नौझील में बदमाशों के हौसले फिर बुलंद हो दिखे। एक्टिवा सवार 2 बदमाश ने पशु व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। जी बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? पूरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुडरी। जी, राया थाना क्षेत्र में। हाँ। आप कहाँ जा रहे थे आज? जी, क्या बात हुई फिर? वहाँ जी मैं उतर के चौराहे पे चल रहा हूँ, बस है काजी। हाँ। अड्डी पर मेरी बस मिलेगी, वहाँ खेरा हूँ जी, वहाँ बाद उतर करूँ। हाँ जी, मोटरसाइकिल आ गई है। जी
बाबा बाजना कितनी दूर है? तो 4-5 किलोमीटर। हमें गेल बता दिया गेल तो सड़क बंद नहीं चले जा, तुम बैठ चलो बाल पहुंचाऊंगा बाजा जी। भैया मैं ना हूँ हाथ पकड़ के चढ़ बैठा लो मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती जबरदस्ती नौजील में से नौजील में से गोरा फरी हो जब जबरदस्ती चढ़ बैठा लो दसलम मरते कच्ची बुटा दी गाड़ी और मेरे क्या कर रहे हो भैया तो कहाँ जा रहे हो जो तुम्हें किसी ले जो तक तो आधा 200 लंबर तो तब खींच लेंगे पीछे जट बल जाऊंगा जट में कूद पर जाऊंगा फिर जट दो से पटक गए वो देखो पटक मारो भैया लत्ता फत्ता सब फट गए एक दामन से चिपटे हो एक मेरी कमर से चिपटे हो रखवा टेटिया पकड़िए मेरी जब मुंह खूब जान को जब यह बात दे तू मैं जो कहा उन्हें सुनी ना भैया दामन ले गया और करे चालू जट भाज गई पिछले मुंह जब छोड़े हूँ जब वो चालू कर ले गया गाड़ी जेट ना भल्ली कितने दाम थे तुम्हारी जेब में 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया क्या लेने जा रहे थे आप भैंस बाजना पेंट से बाजना पेंट कितने बजे की घटना हो गई है ये 9:30 बजे की बदमाश किधर साइड में भाग गए फिर उसके बाद नौ जिले बाबू आए बगत के थाना राया के अंतर्गत रहने वाले हैं ये आए थे यहाँ पर बाजना हमारा मेला लगता है बस पेट का तो इनका कहना भैंस खरीदने के लिए आए थे ECM से उतरे नौजील मोड़ पर और वहाँ से इनको दो लड़के स्कूटी पर मिले जो काले रंग की थी जी। इनका कहना है कि उन्होंने हम उनके साथ बैठ लिए और यहाँ पर आए तो यहाँ कुछ दूर आने पर 1 किलोमीटर बाद एक गलियारे पर आए और हमको यहाँ पर हमारा थैला लूट लिए। पद्मावत फिल्म के विरोध में लोग भारत बंद सफल बनाने में सड़कों पर उतरे देखें ये रिपोर्ट। पद्मावत फिल्म के आज से हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ इस फिल्म का विरोध कर रहे लोग भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। स्वर्ण सेना करनी सेना हिंदू जागृति मंच के सदस्य ने पूरे मोतिहारी शहर को हाईजैक कर लिया है। NH-28A और शहर के विभिन्न सड़कों पर आग जलाकर अपनी मंशा जाहिर कर दिए है। लिहाजा शहर स्थित 4 सिनेमा हॉल के मुख्य गेट बंद रहे। फिल्म का विरोध करने वाले लोगों ने शहर में घूम घूम कर बंद करवाया गया। हाथों में फिल्म के विरोध के बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए स्वर्ण सेना करनी सेना और हिंदू जागृति मंच के लोगों ने पूरे शहर में तांडव मचा दिया है। तो दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अजमी डोगरा के साथ देख रहे हिंदुस्तान न्यूज 24 सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।